आज दोपहर का भोजन, इस कहानी के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? तो आप सभी को पता है, सिद्धेश्वरी जो है का परिवार गरीबी से जूझ रहा है और अपने परिवार को वह एकजुट करना चाहती थी, एक साथ रखना चाहती थी। इस कारण उसने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे के बारे में झूठ बोला कि वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था या तुम्हारी प्रशंसा करता है, ताकि भाई भाई के बीच किसी तरह की का मनमुटाव ना हो, कोई कड़वाहट ना आए। आपस में दोनों भाई एक दूसरे के साथ बहुत ही भाईचारे के साथ रहें। दूसरा प्रश्न देखिए, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कहानी का अगर हम देखें, सबसे जीवंत और दृढ़ जो पात्र है वह सिद्धेश्वरी है। क्यों? देखिए, एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की वह गृहिणी है, गृहिणी मतलब जो घर को चलाती है, और जिसे सबसे ज़्यादा भीषण गरीबी के प्रकोप को झेलना है। अब भीषण गर्मी के प्रकोप को उसको क्यों झेलना है? क्योंकि आपने देखा कहानी के अंत तक सब तो खा इधर उधर जाते हैं, लेकिन वह सारा समय उसी गरीबी, उसी मतलब वंचना में जीती है। उसके बाद जब सबका पेट भरने के बाद जो कुछ बचता है उसमें भी वह आधा करके अपने छोटे बेटे के लिए बचाने के बाद जो कुछ मिलता है उसको वह गुजर बसर करके रह रही है। फिर भी वह परिवार के ऊपर आँच नहीं आने देती। अपने परिवार इतनी ख़राब स्थिति होने के बावजूद अपने परिवार के सभी लोगों को एकजुट किए हैं, सभी को एक साथ खड़ा कर रखा है उसने, और सबको ऊर्जा, सब में एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा का संचार वह करती है। इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए भी उसके चेहरे पर वह मुस्कान रहती है, जिससे वह चाहती है कि परिवार के सदस्य जो हैं उन सभी समस्याओं को दृढ़तापूर्वक झेलें। अगर हम देखें तो सिद्धेश्वरी न जाने कितनी ही शारीरिक और मानसिक व्यथा पीड़ाओं से ग्रस्त है, लेकिन उसके बाद भी वह एक सकारात्मक सोच लिए हुए, एक मुस्कान के साथ परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत करती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें गरीबी की विवशता झांक रही हो। तो सबसे पहले कहानी जब शुरू होती है, जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया था, उसी में देखिए क्या है। उसमें जब वह कहती है सिद्धेश्वरी को अपने पति और लड़कों को भोजन कराना है, इतना कम खाना है, फिर भी सभी का पेट उसे भरना है, और जो कुछ बचा रह जाता है वह खुद खाती है। मुंशी जी के फटे पुराने कपड़े हैं जो इस कहानी में दिखाए गए हैं, जिन्हें उन्होंने पहन रखा है। सिद्धेश्वरी भूखी है बहुत समय से, और उस भूख में कुछ खा नहीं पाती, केवल पानी द्वारा अपनी भूख को मिटाने का प्रयास करती है, जिसके कारण वह उसके पानी सीधे उसके कलेजे में जब वह लगता है और वह घंटे भर के लिए वहीं बैठी रह जाती है। सारा घर मक्खियों से भनभना रहा है। आंगन की जो अलगनी है उस पर एक गंदी सी साड़ी टंगी है, जिस पर बहुत सारे पैबंद लगे हैं, मतलब फट चुकी है, जगह जगह से उसको पैच वर्क के द्वारा सिला गया है। फिर उसके बेटा, जो सबसे छोटा बेटा है, उसकी स्थिति बताई गई है, कैसे उसकी हड्डियाँ का ढांचा बन के रह गया है, हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हैं, पेट बहुत मोटा सा हो रखा है। जो स्थिति है वह सभी बताती है कि घर में गरीबी किस कदर फैली हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था, इस संबंध में अपने विचार लिखें। सिद्धेश्वरी जानती है कि उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा है। इस स्थिति में भी वह परिवार में किसी तरह का कलेश, किसी तरह का विरोध या लड़ाई झगड़ा नहीं होने देती।
क्योंकि ऐसी जब गरीबी है उसमें तो कोई भाई भाई से लड़ सकता है, पिता पुत्र से लड़ सकता है, पुत्र पिता से, किसी तरह के रिश्ते सारे बेमानी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी वह उस भाईचारे को, उस पारिवारिक प्रेम को बनाए रखती है, इसलिए वह एक दूसरे से के बारे में, एक से दूसरे के बारे में वह झूठ बोलती चलती है। वह एक अनथक प्रयास कर रही है। इस प्रकार वह देखा जाए तो परिवार की गृहिणी होने का अपना फ़र्ज जो है वह अदा कर रही है, साथ ही अपने घर के सभी सदस्यों के साथ एक साथ रखने का भी कर्तव्य निभा रही है। अगला प्रश्न देखिए, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, अमरकांत जी की जो भाषा की जो पकड़ है वह बहुत मजबूत है और अपनी कहानी में वे सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा, आपने देखा पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है, बहुत सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण भाषा है। और जहाँ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अगर गांव का दृश्य दिखाया है, जिस देश काल का चित्र किया है वहाँ पर उसी तरह के शब्दों का चयन है। वह खटोला बोलते हैं, मछिया बोलते हैं, फिर आगे चौका और तरकारी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो समय और कहानी की मांग है उसी अनुसार ही वह शब्दों को उठाते हैं। जैसे सिद्धेश्वरी बड़े बेटे से मंझे बेटे की तारीफ़ करते हुए बोलती है, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 2400 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। बड़ा बेटा और रोटी लेने से जब मना करता है तब क्या कहती है, बड़ा बेटा क्या कहता है, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। इसी प्रकार मुंशी जी का जो कथन है वह भी कहानी की संवेदना को उबारता है। रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब गई है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन बात इस तरीके से की जा रही है कि सब कुछ सही है, स्थितियाँ कह सकते हैं नियंत्रण में है। ठीक है बच्चे, आज इतना ही, बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे।